हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर्स। सो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ग्रुप ए ग्रेजुएट ऑफिसर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इंडिया के सभी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। सो आइए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस है। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए। या फिर नवंबर की टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो लास्ट डे से पहले आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रांच एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में दिया गया है। तो जनरल ड्यूटी और कमर्शियल पायलट एंट्री एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल में है, तो ये 3 टोटल ब्रांच है। इसके लिए एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। अगर आपका 1 जुलाई 1997 टू 30 जून 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है या इन डेट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी ब्रांच के लिए एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो जनरल ड्यूटी के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे 12th में आपके फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। इसके साथ आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री किया है तो उसमें 60% से ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए। या फिर अगर आपने लाइक बीटेक बी किया है तो 1st to 8th सेमेस्टर या फिर 1st to 4th ईयर तक आपके कम से कम 60% होने चाहिए। सो ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे कमर्शियल पायलट एंट्री के लिए CPL के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए सिर्फ यही पे कमर्शियल पायलट एंट्री के लिए ही वैकेंसी आई हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। फिजिक्स मैथ्स का जो एग्रीगेट है वो भी कम से कम 60% होने चाहिए। यहाँ पे बेसिकली आपका जो सिलेक्शन होता है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे या फिर आपका जो ग्रेजुएशन या बैचलर्स डिग्री है उसमें जो मार्क्स आए हैं परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो आगे मैं आपको बताऊँगी क्या सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटली रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है। आगे देखते हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल के लिए मेल ही अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग डिग्री ही मांगा गया है। सो 60% एग्रीगेट होना चाहिए और यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन दिया गया है। अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमेटिव, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मेटलर्जी एंड डिज़ाइन या फिर एरोनॉटिकल या एरोस्पेस, तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये जो शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होगा असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, ये सिर्फ 8 ईयर्स के लिए रहेगा एंड इसको आगे 2 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि टोटल 10 ईयर्स। इसके बाद फर्दर आप 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो टोटल 14 ईयर्स के लिए मैक्सिमम आपका सर्विस रहने वाला है। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर्स एंड यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है परसेंटेज में अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो भी बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। और आगे हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो जनरल ड्यूटी के लिए 30 वैकेंसी है, CPL के लिए 10 है, टेक्निकल इंजीनियर के लिए 6 एंड टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 4, तो टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख पाएंगे। इसमें एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है, तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कॉलअप के लिए, उसके बाद आपके जो परसेंटेज है हायर परसेंटेज को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे नेक्स्ट यहाँ पे फाइनल ईयर वाले या लास्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं और किसी सर्विस ट्रेनिंग अकेडमी में विड्रॉन हुए हैं देन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी भी क्रिमिनल चार्जेस में आप अरेस्ट हुए हैं, कन्विक्टेड या प्रोसिक्यूटेड पाए गए हैं तो भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। आगे अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 6 दिसंबर to 17 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्लास 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही सारी इन्फॉर्मेशन डालिएगा, लाइक फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। अगर इसमें कोई भी मिसमैच होता है देन आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। एंड आपके 12th एंड ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज है एग्जैक्ट परसेंटेज ही आपको मेंशन करना होगा
एप्लीकेशन फॉर्म में 2 decimal तक, और यहाँ पे कोई भी राउंड ऑफ आप नहीं करोगे। सो पीएसपी के लिए आप कोई भी वेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी ऑप्शन में डिस्प्ले किया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर इसमें आते हैं रिजर्वेशन में, देन आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कंप्लीट डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपके क्लास 12th या ग्रेजुएशन में होते हैं। एंड उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होता है, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हैं। एंड जो आपका पीपी एंड डीटी होता है, उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश में ही डिस्कशन करो, हालांकि आप हिंदी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही आप प्रीलिमिनरी सिलेक्शन क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फाइनल सिलेक्शन में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए जो डेट टाइम वेन्यू है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। जब आपका एफएसपी होगा तो उसके दौरान ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वेरीफाई किया जाएगा। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप कम्प्लीटली देख सकते हैं। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, हाइट, वेट एंड चेस्ट के बारे में दिया गया है, आईसाइट के बारे में दिया गया है, इसे आप डिटेल में देखेंगे। और प्रमोशन एंड पे स्केल के बारे में यहाँ पे कम्प्लीटली आप देख सकते हैं। जब आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, तब आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी वो 56,100 रुपीज़ रहेगी। एंड जैसे जैसे आपका जो रैंक है, आपको जो प्रमोशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो वो आप कम्प्लीट लिस्ट यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा, सैलरी के अलावा, आपको अदर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।